पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, पुलिस दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। इस FIR में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम दर्ज है। पुलिस का मानना है कि इस हत्या की साजिश में लॉरेंस बिश्नोई शामिल था। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, फिरौती, अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 8 के हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद किया गया है। वह जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। कानून की पढ़ाई कर चुका लॉरेंस अपने कॉलेज के दिनों से ही जुर्म की दुनिया में कूद गया था। राजस्थान की जेल में बंद रहने के दौरान वह सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव था। उसके समर्थक भी फेसबुक पर अपने आका से जुड़ी पोस्ट डालते रहते हैं। फरीदकोट में तो जेल की सलाखों में कैद होने के बावजूद लॉरेंस ने बॉडी बनाई। इसके फोटो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे। जेल की बैरक में वह मोबाइल से सेल्फी भी क्लिक करके शेयर करता था। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब के फिरोजपुर में 12 फरवरी 1993 को जन्म लिया था। 2009 में लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उस समय लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज की राजनीति से ही जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार वो जुर्म की दुनिया में सक्रिय रहा। लॉरेंस बिश्नोई का नाम ऐसा है कि अच्छे अच्छे गैंगस्टर उससे कांपते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 600 से ज़्यादा शार्प शूटर हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम सामने आ रहा है। पुलिस लॉरेंस को रिमांड पर लेकर उससे कड़ी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक लॉरेंस बिश्नोई ने अपना मुंह नहीं खोला।